But the man lay very quietly on the ground and did not even breathe. लेकिन वो शख्स जमीन पर बेहिस वो हरकत पड़ा रहा, वो अपनी सांस रोके हुए था, ब्रीथ यानी सांस. At last, with a growl, it shook its head and sloshed off. आखिरकार एक खरखराहट के साथ रीछ ने अपना सर हिलाया, फिर कंधे झुकाए और चला गया. Growl यानी खरखराहट. Then the fellow in the tree came down to his comrade and longing said, what was it that Mr. Bruin whispered to you? तब दरख्त पर चढ़ा हुआ दोस्त नीचे उतरा, अपने दोस्त के पास आया और हंसते हुए बोला, ब्राउन साहब ने तुमसे क्या कानाकुसी की. ब्रून यानी ब्रून बोले तो ये बियर के लिए इस्तेमाल किया गया है, मतलब ब्रून ब्राउन साहब. ही टोल्ड मी सेड द अदर, नेवर ट्रस्ट अ फ्रेंड हु डिजर्ट यू एट अ पिंच. दूसरे ने कहा, उसने मुझे कहा कि मुसीबत के वक्त तुम्हें छोड़कर जाने वाला दोस्त पर हरगिज भरोसा मत करना.